राजधानी देहरादून में वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित बेरोजगार युवाओं द्वारा वन विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत ही आज भी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वन मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बीते बुधवार से बेरोजगार युवाओं ने वन मुख्यालय के मुख्य गेट पर जनगीत से अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत ही चयनित अभ्यर्थियों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के और 4 महीने बीत जाने के बावजूद इन बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं युवाओं का आरोप है कि वन विभाग नियुक्ति को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब युवाओं का कहना है कि जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।